आज हम सर्वाइव करने वाले 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर और वो होगा नॉर्मल वर्ल्ड में। तो चलो सबसे पहले तो डे 1-5 मैंने सबसे पहले जो हम नॉर्मल माइनक्राफ्ट का रूल है कि हम सबसे पहले टूल्स बनाते हैं वुड के, इसके लिए मैं इधर आया था। इधर सबसे पहले तो मैंने सामने जाके तो वो वाले ट्री में से थोड़े बहुत वुड तोड़े और वुड तोड़ने के बाद उसके मैंने प्लैंक्स बना लिए और प्लैंक्स बना के उसका क्राफ्टिंग टेबल बना दिया। मैंने उसमें से स्टिक, प्लैंक्स और अपना क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। क्राफ्टिंग टेबल को मैंने सामने की तरफ रखा, उसमें से सबसे पहले मैंने अपनी वुड की स्वॉर्ड बना ली। वुड की स्वॉर्ड बनाने के साथ ही साथ मैंने अपनी पिकेक्स और एक्स भी बना ली। क्राफ्टिंग टेबल को लेके मैंने सामने की तरफ मुझे एक पेड़ दिखा था, उस पेड़ में से मैंने थोड़े बहुत वुड ले लिए और फिर मैं चला गया सामने की तरफ। मुझे और 3 शिप दिखाई दे रही थी, उन शिप को मैंने मार दिया। उन शिप में से मुझे वूल भी मिल गया था और थोड़ा बहुत मेरा खाने का जुगाड़ भी हो चुका था। बाकी की दोनों शिप को भी मैंने मार दिया, उनमें से मुझे 3 वूल मिल गया था और मैंने पहले दिन में अपना बेड बना लिया था। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब मेरे पास बेड आ चुका था, इसके लिए हम नाइट तो आसानी से सर्वाइव कर सकते थे। मैं आगे की तरफ चला गया और इतनी देर में शाम हो चुकी थी और तभी मेरी नजर गई एक बड़े से माउंटेन में। उस माउंटेन के ऊपर थोड़ी बहुत जगह थी तो मैंने अपनी डेस्टिनी फाइनल कर दी थी कि मैं इधर अपने 100 डेज सर्वाइव करूंगा। इतनी देर में अब तो रात होने वाली थी, मेरे पास बेड था, मैंने बेड डाला, उस पे सो गया। वेट करते अब डे होने का, डे होते ही हम आगे की तरफ चलने लगेंगे। फिर मैंने उधर से अपना बेड उठाया। डे 5-10 की तरफ मैं जैसे चलने लगा, इतनी देर में एक नीचे से जोम्बीज है और जोम्बीज को मैं जैसे आगे मारने गया, इतनी देर में पीछे से एक और क्रीपर है, क्रीपर को मैं मारने लगा लेकिन वो फूट गया और उसी के साथ जोम्बीज भी मर गया। और बाद में मैं इन दोनों को मार के मैं आगे की तरफ चलने लगा। ऊपर से नीचे एक वोटर आ रहा था, वोटर की मदद से मैं सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ चलते ही मैंने सीधा सबसे पहले तो एक अपना प्लैंक्स निकाला और प्लैंक्स सीधा ऊपर की तरफ आ गया था। ऊपर की तरफ आके मैंने सबसे पहले मैंने अपना प्लैंक्स को प्लेस कर दिया और उसके पीछे की तरफ थोड़ा सा मैंने अपना रास्ता बना लिया कि मैं थोड़ा बहुत खड़ा हो सकूं। इसके लिए पीछे की तरफ थोड़े बहुत स्टोन, इस स्टोन को लेके अपने पास थोड़े बहुत कोबलस्टोन आ जाएंगे, इसको कोबलस्टोन आ जाएंगे। तो चलो अब हमको अपनी डेस्टिनी मिल गई। अब इधर से अब अपने प्लैंक्स लगा के ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर की तरफ जाने से पहले मैं इधर पीछे से अपने स्टोन उठा लेता हूं क्योंकि स्टोन के मुझे टूल्स बनाने अभी, क्योंकि अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम थोड़े टूल्स को अपग्रेड कर दें। इधर मेरे पास प्लैंक्स तो अच्छे खासे, इसको लगा के ऊपर की तरफ चलते और ऊपर की तरफ अपना हाउस बनाते हैं। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, ये होगा अपना हाउस। इधर से हम सभी तरह से अपना व्यू ले सकते हैं, सभी जगह से हम देख सकते हैं और ये देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है इधर से। इधर हम अपना हाउस बनाने का काम शुरू करते हैं। इधर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रख दिया है, इसमें से सबसे पहले अपने प्लैंक्स बना लेते। ओके 38 हो चुके और मेरे साथ मेरे स्टोन की एक्स भी बना लेता हूँ। अब सबसे पहले अपने अभी मुझे ये पहले डर्ट हटानी पड़ेगी, उसके लिए इधर से सवाल बना लेता हूँ। इस सवल से सारी की सारी मैं अपनी डर्ट हटा लेता हूँ। इधर का जो एरिया है उसको पहले फ्लैट कर देता हूँ, उसके बाद ही हम आगे काम शुरू कर सकते हैं। हेलो ये तो हो गया, अब शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले निकाल लेते हैं अपनी थोड़ी डर्ट और ये अपने आइलैंड को अब डर्ट के साथ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसी तरह से मेरा हाउस भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसी की वजह से। चलो ये हो गया, अब सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इधर से प्लैंक्स उठाते, इधर आगे पीछे का भी थोड़ा इधर दो डर्ट लगा देते हैं। ओके ये एक तरह से लेवल हो चुका है। अब ऐसा करते हैं प्लैंक्स से इधर की तरफ अपनी बाउंड्री बना देते हैं। इस बाउंड्री को थोड़ा और आगे की तरफ ट्रायंगल वाला लुक दे देते हैं। इसके राइट साइड में प्लैंक्स लगाते जाते, उसकी एक छोटी सी बॉर्डर बना देते, उसके बीच में एक एक दो प्लैंक्स छोड़ के एक प्लैंक्स लगा देंगे, उसके ऊपर अपनी टॉर्च आएगी और रुको उससे उसी के साथ मैं अपने स्टिक भी बना लेता हूँ। स्टिक से अपने फेंस बना लेता हूँ और दोनों प्लैंक्स के बीच में आएंगे अपने फेंस, इसी वजह से अपना इसका लुक भी अच्छा हो जाएगा। इसके आगे की तरफ मैं अपना प्लैंक्स लगा देता हूँ और इसी तरह से हम अपना पूरी वॉल को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से अपने डे 11-50 के बीच में अपना हाउस बनाया। अब काम करते, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मैंने इतना काम तो कर दिया, अब सबसे पहले सो जाते और अगले दिन में अपना काम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। डे 50-20
अब अपना काम हो चुका है, हाउस का तो काम अपना चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले अब मुझे चाहिए होगी थोड़ी फूड, और उसके साथ साथ मुझे अब थोड़ा आयरन भी चाहिए होगा, क्योंकि मेरे टूल्स अब इतने काफ़ी नहीं हो रहे। इसके लिए अब मैं चल रहा हूँ नीचे की तरफ। अब अपने आयरन का टूल्स और ये सब बनाने का टाइम हो चुका है। इसके लिए इधर से हम अपना रास्ता बना के नीचे की तरफ चलते हैं, और नीचे की तरफ से हम अपनी केव्स में चलते हैं। उसमें से हम थोड़ा बहुत पहले ऊपर की तरफ फूड ले लेंगे और नीचे की तरफ से आयरन ले लेंगे। और चलो इधर से अपनी माइनिंग शुरू करते हैं नीचे की तरफ। ओके, तो मैं कब से माइनिंग कर रहा हूँ और अभी तक मुझे एक भी नीचे की तरफ का रास्ता, अरे ओ सीट ओ सीट, और मैं बच गया। नीचे की तरफ वोटर था, वरना मैं ऊपर से नीचे डायरेक्ट आता तो अपना इधर ही पूरा 100 डे का ये पूरा चैलेंज खत्म हो जाता। अभी इधर सामने की तरफ से मुझे ये कॉल दिखा, इस कॉल को उठा लेते हैं, क्योंकि कॉल की हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प, मतलब ये कॉल मिलने से अपनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमको टॉर्च मिल जाएगी, ऊपर की तरफ अंधेरा नहीं होगा। अब सबसे पहले सामने की तरफ वो चिकन दिख रही है, उस चिकन को मारते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत फूड उठा लेते हैं। 3 दिख रही है, 3 को मार दे तो उसमें से हमको चिकन मिल जाएगा। और अब नीचे की तरफ थोड़ी माइनिंग करके, ओके इधर से हमको मिल गया है ये वाले कोबलस्टोन। कोबलस्टोन में से इधर अपना क्राफ्टिंग टेबल निकालते हैं और कोबलस्टोन में से फर्नेस बना लेते हैं। और कोल तो अपने पास आ चुका है, इधर से हम अपने सारे के सारे जो रो चिकन है उसको अपने कुक चिकन को बना देते हैं, और अपना फूड का जो काम होगा वो हो जाएगा। और इधर से अपनी स्टोन की पिकेक्स भी बना लेते हैं, और ये हो जाने के बाद हम नीचे की तरफ माइनिंग करने के लिए जा सकते हैं। फिर हमको फूड का कोई तामझाम नहीं रहा। Day 52-20, अब मैं नीचे आ चुका हूँ नीचे माइनिंग करने के लिए। इधर मुझे अच्छी खासी केव मिल चुकी है। इस केव के अंदर मैं जैसे नीचे आया वैसे ही मुझे इधर आयरन दिखने लगा। इस आयरन को उठा लेते हैं, जितना भी दिख रहा है ये सारा सारा आयरन उठा लेते हो, इसको हम अपने फर्नेस में डाल देंगे। इधर से नीचे की तरफ भी थोड़ा बहुत आयन है, इस आयन को उठा लेते हैं। अरे ओ भाई साहब, मेरे तो नीचे की तरफ भी इतनी बड़ी केव है। अरे 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 अरे, क्रीपर और वीच, जल्दी मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। इधर से अपना, अरे अरे मैंने ये किधर फर्नेस किधर डाल दिया। ओके उसने अपने पे, वो बाल बाल बचे, वरना इधर अपना पूरा गेम ख़त्म हो जाता। अब सबसे पहले मैं अपना आयन का आर्मर बनाता, उसके बाद ही मैं आगे की तरफ माइनिंग करने के लिए जाऊँगा। ऐसा करता हूँ कि इधर से सबसे पहले मेरे आयन ये इस फर्नेस के ऊपर की तरफ डालता हूँ, और नीचे की तरफ अपनी स्टिक डाल देता हूँ। तब तक ये होता है तब तक मैं सामने की तरफ से और आयन है वो लेके आता हूँ। जितना भी आयन था वो तो मैंने उठा लिया। अब शायद से ऊपर वाली फर्नेस में देख लेता हूँ कि 2 आयन हो चुके, उस आयन को ले लेते हैं। और मुझे जोम्बिस के पास से ये वाला हेलमेट मिला था चेन का, ये भी इसकी भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके। अब ऐसा करते इधर अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाल दे, और इसमें से सबसे पहले अपनी शील्ड बना लेते, क्योंकि शील्ड की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता है। इसके लिए मैंने अपनी शील्ड बना ली है। अब वेट करते हैं ये सारा आयन का पकने का, वेट करते हैं कि ये आयन पूरा बन जाए, उसके बाद ही हम आगे का काम शुरू कर दो। गए अपना आयन और ये शील्ड मैंने बना लिया, अब आगे की तरफ माइनिंग करने चाहते हैं। इधर अब वेट करते हैं अपना ये आयन पूरा हो जाएगा, स्टिक्स बना लेते हैं। स्टिक के बाद हम अपनी आयन की पिकेक्स बना लेते हैं, और साथ ही साथ अपनी स्वॉर्ड बना लेते हैं। इसी के साथ अपनी आयन की पिकेक्स और ये स्वॉर्ड तो बन चुकी है, अपनी पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। इसके साथ अपने आयन की पिकेक्स और ये स्वॉर्ड तो रेडी हो चुकी है। अब ऐसा करते हैं कि इधर से अपना फर्नेस और ये वाला क्राफ्टिंग टेबल उठा के आगे की तरफ माइनिंग करने के लिए चलते हैं। और इधर मैंने टॉर्च, इधर से मैं आया हूँ, अब आगे की तरफ चलते हैं। मुझे थोड़ा बहुत आयन मिला था वो मैंने ले लिया। अब मुझे डायमंड मिल चुके थे, अब मैंने इधर से जितने भी डायमंड मिले थे वो मैंने डायमंड उठा लिया। डायमंड के साथ साथ मुझे गोल्ड भी मिला था, गोल्ड भी मैंने उठा लिया। और साथ ही साथ मुझे आगे की तरफ मैं और माइनिंग करने गया, भी मुझे डायमंड मिल चुके थे। और तीसरी जगह में गया और तीसरी जगह पर भी मुझे डायमंड मिल चुके थे। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लूट हो चुकी थी, इसके लिए अब मैंने सोचा कि अब ये डायमंड लेके मैं ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाऊँगा। लेके मैं ऊपर की तरफ माइनिंग कर करके मैं बाहर निकल आया। 25-30, अभी हमारा जो भी माइनिंग का काम था वो तो मैंने सारा का सारा कर लिया था। अब मैं आ चुका था ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आते ही मुझे पीछे की तरफ आते ही मुझे एक वुल्फ दिखा। मैंने उस वुल्फ को टेम कर लिया और वो मेरे साथ आने लगा। उसको मैंने टेम करने के बाद मैं आगे की तरफ चलने लगा। और फिर तरफ चल के मैंने सबसे पहले तो अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाला। क्राफ्टिंग टेबल के पास में मैंने अपना फर्नेस निकाला। फर्नेस में मैंने अपना कोल और आयरन डाल दी। और बाद में मैंने क्राफ्टिंग टेबल में से अपनी सबसे पहले वाटर बकेट बना ली। वाटर बकेट बनाने के बाद उसमें पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद मैंने अपने सो क्राफ्टिंग टेबल लेके मैं ऊपर की तरफ चला गया।
डे 31 to 35 मैंने ऊपर की तरफ आ चुका था। ऊपर की तरफ आके मैंने अपने वाटर बकेट में से पानी डाल दिया। नीचे आने जाने के लिए मैंने अपना रास्ता बना लिया था और मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाला। क्राफ्टिंग टेबल में से सबसे पहले मैंने अपने डायमंड के टूल्स बना लिए। डायमंड के टूल्स में मैंने सबसे पहले तो अपनी स्वॉर्ड बनाई और चेस्ट प्लेट बनाई, क्योंकि चेस्ट प्लेट ली, और उसी के साथ साथ मैंने अपना पूरा का पूरा आर्मर बना लिया। दोनों मैंने आयरन की बनाए और ऊपर की तरफ डायमंड की चेस्ट प्लेट, उसके ऊपर अपने जो हेलमेट होता है वो मैंने अपना ज़ॉम्बीज़ के पास से मिला था। सबसे बड़ा ये मेरा टास्क था कि मैं अपने वुल्फ को ऊपर की तरफ कैसे लेके आऊँ। मेरे पास लीड तो है नहीं, इसके लिए मुझे इसको लेके आना ही था ऊपर की तरफ। तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं आया। मैंने उसको बोनविल दिखाया, ऊपर की तरफ नहीं आया। उसको मैंने रोटन फ्लेश भी दिखाया लेकिन वो फिर भी नहीं आया। बाद में मैंने वो छोड़ दिया उसको ऊपर आने के लिए। और फाइनली जैसे तैसे मैंने उसको ऊपर की तरफ लेके आया, उसको खाना खिला के उधर ही मैंने ऊपर की तरफ उसको बिठा दिया था। अब मैंने अपना उसको सारे के साथ रोटन फ्रेश खिला के उसको बिठा दिया था। और अब बाद में मैं सीधा गया नीचे की तरफ जाके सबसे पहले मैंने अपनी सारी की सारी सेंड उठा ली, क्योंकि अब ग्लास का यूज़ करना था अपने हाउस में। इसके लिए मैं सीधा नीचे गया और नीचे की तरफ जाके मैंने सबसे पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाला। क्राफ्टिंग टेबल में से मैंने अपनी गोल्ड की सवल का यूज़ करके मैंने नीचे की तरफ जो भी सारी की सारी सेंड थी वो उठा ली। पाया था अपनी थोड़ी बहुत डर्ट लेन और इसी के साथ मुझे नीचे की तरफ एक ट्रेडर्स मिला। ट्रेडर दिखा लामा को मार के मैंने उसके पास से लीड ले ली। और लीड लेने के बाद मैं सीधा गया ऊपर की तरफ, तो लीड तो ले ली और उसके बाद मैं चला गया ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आके सबसे पहले मैंने जो सेंड ली थी 21 सेंड को मैंने अपने फर्नेस में डाल के उसको ग्लास बनने के लिए रख दिया। आगे क्या अपना काम कंटिन्यू करा, मैंने अपने प्लैंक्स बना लिए, फेंस बना लिए और उसके बाद उसके आगे का काम मैंने शुरू कर दिया। आगे की तरफ प्लैंक्स लगाने का काम और छोटी सी बालकनी बनाने का काम शुरू कर दिया। और आगे की तरफ भी मैंने उसको थोड़ी बहुत बॉर्डर दे दी। डे 50 to 55 अब मेरा पूरा का पूरा हाउस रेडी हो चुका है। मैंने चारों ओर से इसको बॉर्डर मार दी और इतना वुल्फ को भी बिठा दिया। ये देखो मैंने ऊपर की तरफ टॉर्च भी लगा दिए क्योंकि अंधेरा ना हो इसके लिए। और इधर मैंने अपने थोड़े बहुत कोबल स्टोन लेके रखे और ये अपने ग्लास। और सामने की तरफ मैं आपको ये अपना वुल्फ बिठा इधर की तरफ। और आगे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी बालकनी। और ये है अपनी बालकनी, ये वाली बालकनी से हम अपने चारों ओर का नज़ारा व्यू ले सकते हैं। इसके लिए मैंने ये रखी और इधर आगे की तरफ मैंने फेंस लगा के इसको चारों ओर से बॉर्डर दे दी क्योंकि मैं गलती से नीचे ना गिर जाऊँ। इधर मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। ये है मेरा चेस्ट रूम। इस चेस्ट रूम के अंदर मैंने अपना जो सामान होता है वो मैंने अपना कूड़ा सामान रखा। ये देखो इसमें कोल और ये सब पड़ा। इधर की तरफ फर्नेस है। इस फर्नेस के अंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं लगा। और ये है अपना पेट्स के लिए। इधर मैं अपने पेट्स को रखूँगा। जब भी हम इसको ऊपर की तरफ पेट्स को लाने का रास्ता बना देंगे तभी हम इधर अपने पेट्स को रखेंगे। और इधर की तरफ नीचे की तरफ जाते ही आपको सबसे पहले नीचे की तरफ जाते ही एक रास्ता दिखता है। इधर हम बनाने वाले अपना छोटा सा फार्म, क्योंकि अब हमको चाहिए होगा फूड। और फूड के लिए हमको सबसे आसान फूड है वो है अपना व्हीट। फार्मिंग करने आसान फूड है वो है अपना व्हीट। इसके लिए इधर मैंने अपना फार्म बनाया। उस फार्म को हम पहले हमको चाहिए होगी थोड़ी बहुत डर्ट। तरफ जाना पड़ेगा इसके लिए। इधर से चलते सीधा नीचे की तरफ और इधर से हम छलांग मार नीचे की तरफ और इधर से हम चलते हैं और सामने की तरफ अपने तो चार ओर डर्ट ही डर्ट है। इसके लिए इधर से हम अपनी डर्ट उठा दें और डर्ट के साथ साथ अपनी थोड़ी बहुत सीड लेके भी ऊपर की तरफ चलते हैं। मैंने सारी की सारी सीड और मैंने डर्ट ले लिए। अब पर आए उसी के साथ ही नाइट हो चुकी थी और नाइट होने के बाद मैं सीधा गया और अपने बेड पे सो गया। डे 55 to 65 इसके बीच में मैंने अपना फार्म का काम किया। अब हम चलते हैं सीधा नीचे की तरफ। इधर से अपने फार्म का काम शुरू करते हैं। इधर से सबसे पहले तो मैं इसकी बॉर्डर बना देता हूँ डर्ट से और उसके बाद हम इसको फिल कर देंगे अपनी सारी सारी डर्ट के साथ और उसके अंदर हम अपनी सारी डर्ट भर देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले उसकी बॉर्डर बना लेते हैं। आखिरी डट लगा दे अपनी ये वाली बॉर्डर हो जाएगी ख़त्म। अब मुझे और डट चाहिए होगी। इधर से चलते नीचे की तरफ जाके अपनी सारी सारी डट उठा के लाते हैं और सामने की तरफ और मुझे कुछ दिख रहा है उसको भी उठा लेते हैं। ये तो शायद से पॉप चॉप है, ये उठा लेते हैं। ये हमको फूड में काम आ जाएगा। तो ओके तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो कि इधर मैंने अपनी फार्म की बॉर्डर तो बना दी है डट के साथ। अब मैं नीचे से मैं अपनी डट भी लेके आ चुका हूँ।
डर्ट के साथ साथ मैं सीट भी लेके आ चुका हूँ। अब इधर से अपने डर्ट से ये वाला जो अंडर का पार्ट है उसको फील कर देते हैं। सबसे पहले अपने डर्ट लगाते चलते इधर वन बाय वन इसको लगाते जाते हैं। अपना ये वाला फॉर्म पूरा रेडी हो चुका है, उसके चारों ओर मैंने फेंस लगा दी और बीच में मैं सबसे पहले चलते ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाके सबसे पहले ये वाली चेस्ट में से मैं थोड़ी बहुत स्टिक ले लेता हूँ, चेस्ट में जाके मैं स्टिक ले लेता हूँ और बाहर जाता हूँ। और बाहर ये वाला डे तो हमारा पूरा फॉर्म बनाने में ही चला गया। अब अगले दिन में हम अपना फार्म को चॉप कर देंगे। डे 65 to 70, इसके बीच में मैंने सबसे पहले तो पहले हम इधर से अपनी वुड की हो बना लेते, इसको लेके चलते हैं नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ चलते हैं सीधा ही हम इसको पूरे की पूरी अपने पूरे के पूरे फार्म को जो क्रॉप कर देते हैं। अरे यार इससे गलती होगी, मैं इधर हो की जगह सवल बना के आया। ऊपर चलते हो इधर से सबसे पहले अपनी हो बना लेते हैं। इस हो के साथ अपनी ये वाला पूरा फार्म को हम क्रॉप कर देंगे और इसके ऊपर अपनी सारी की सारी सीड डाल के उसको ग्रो कर देंगे। एक तो वुड की हो बना के लेके आया था वो पूरी खत्म हो गई है, उसका हम हो चुकी है। अब ऊपर चल के दूसरी हो बना लेते हैं के तो मैं इधर दूसरी हो बना के आ चुका हूँ। इधर से हम आगे का क्रॉप करना चालू करते हैं, आगे की क्रॉपिंग हम चालू करते हैं। तो फाइनली मैंने इस फार्म को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब काम है इसमें सारे के सारे हम अपने सीड लेके आए थे वो हम इसमें डाल देते हैं, ये सीड्स को हम इसमें डाल देते हैं। मैंने सारे के सारे सीड डाल दिया। अब ऊपर चल के मैं थोड़ा बहुत खाना ले लेता हूँ। इधर से मेरा ये कुक्ड चिकन है, ये कुक्ड चिकन ले लेता हूँ, इसको खा लेता हूँ क्योंकि अभी मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, मेरा फूड लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है इसके लिए। एक चेस्ट में बोनविल पड़ा था, वो बोन मतलब मेरे एक चेस्ट में बोन पड़ा था, उस बोन को उठा लेते हैं। उस बोन में से हम अपनी बोनविल बना लेते हैं और बोनविल से हम अपने ये वाले वीट को थोड़ा बहुत ग्रो कर देते हैं, उसमें से हमको थोड़ी बहुत सीड मिल जाएगी। ओके ये दो वीट ग्रो हो चुके, इस ग्रो होने वाले वीट को मैं ले लेता हूँ और इसको वापस से ये वाली सीड में डाल देता हूँ। तो ओके तो ये वाला पूरा का पूरा फार्म रेडी नहीं हो जा रहा, तब तक हमको ये वाले तब तक मुझे इधर वेट करना पड़ेगा। डे 70 to 75, अब मेरा पूरा का पूरा फार्म रेडी हो चुका था। अब ये वाले फार्म में से मैंने सारा सारा अपना वीट उठा लिया। वीट उठाने के बाद मैंने अपनी सारी सारी सीड्स उसमें डाल दी, अपने सारे वीट रखे और वीट में से मैंने अपनी सारी ब्रेड बना ली। अब सीधा ब्रेड बना लिया, जो बाकी की सीड्स थी वो मैंने अपने ये वाली चेस्ट में डाल दी और थोड़ा वीट बचा था वो भी मैंने डाल दिया। सुल्फ को खाना भी खिला दिया था। अब सीधा हिस्सा करते कि ये वाले फर्नेस में से अपना ग्लास निकाल दे। इस ग्लास को निकाल के अपना ऊपर का जो हाउस का काम बचा हुआ था उसको कंटिन्यू करते। ऊपर की तरफ सारे की सारी जगह पे हम अपना कांच डाल देते हैं। तो ओके बाद में मुझे ग्लास की कमी होने लगी, इसके लिए मैं इधर से सबसे पहले ये वाली चेस्ट में से मैंने अपनी सवल उठाई और सवल उठा के मैं इधर से सीधा मैं नीचे की तरफ चला गया। और नीचे की तरफ चल के मैंने सारी की सारी सेंड उठा ली, नीचे की तरफ गया और नीचे की तरफ जाके मैंने सारी की सारी सेंड उठा ली। और सेंड उठाने के बाद मैं सीधा आ गया ऊपर की तरफ। जैसे शाम होने लगी वैसे मैं ऊपर की तरफ भागा, क्योंकि आपको पता होगा कि हार्डकोर में सारे के सारे मूव्स की पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसके लिए मैं सीधा ऊपर की तरफ गया, ऊपर सोने चला गया। डे 75 to 80, अब मैंने अपना पूरा ग्लास का काम था वो मैंने अपने हाउस में कर दिया। जगह पे मैंने ऊपर की तरफ पूरा ग्लास का एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, हम बाद में इसके ऊपर कुछ ना कुछ बना देंगे। और आपको सबसे पहले मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, नीचे की तरफ चल के मैं अपनी सारी सारी वीट उठा लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ थोड़ी हरियाली इधर डर्ट लगा देता हूँ। सबसे पहले अपनी डर्ट लगा देता हूँ और इधर मैं अपनी डर्ट लगा देता हूँ और इधर सबसे पहले मैं अपनी सारी की सारी ब्रेड उठा लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी ब्रेड बची हुई है, इसके लिए इधर से ब्रेड उठा लेता हूँ। ओके अब रात होने आई है, सबसे पहले तो जाके सो जाता हूँ। इधर सबसे पहले सो जाता हूँ, हम नेक्स्ट डे अपना काम कंटिन्यू करेंगे। डे 80 to 85, अब मैंने सब सीट में निकालने के बाकी थे वो मैंने निकाल दी और मैंने अपनी सारी सारी सीड्स लगा दी। और अब सीधा चलते ऊपर की तरफ, ये पहले सीड को अपने ये वाले चेस्ट में स्टोर कर देते हैं, अपनी सारी सारी सीड और ये वीट इधर स्टोर करवा देते हैं। इधर चल के अपनी सारी सारी ब्रेड बना लेते, जो अपने वीट निकाले थे उसकी सारी ब्रेड बना लेते। सब मेरा सब कुछ हो चुका था, मैंने हाउस बना दिया, मेरे पास एक पेट आ चुका था, मैंने फार्म बना लिया था, लेकिन अब काम था थोड़ा बहुत पहले सबसे पहले वुल्फ को खिला देते थोड़ा सा। ओके
इसने खा लिया। अब सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं चलता हूँ इधर से नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ चल के आपको दिखाता हूँ कि मैं नीचे की तरफ क्यों आया हूँ। सबसे पहले हम नीचे की तरफ आके फ्लिंट, और अब हम बनाने वाले हैं पोर्टल। पोर्टल को अपने सब पोर्टल चलाने के लिए हमको चाहिए होगा फ्लिंट एंड स्टील, इससे लेने आया हूँ फ्लिंट। और इधर से हम सबसे पहले ये वाली ग्रेवल लेते हैं। इस ग्रेवल में से हमको फ्लिंट निकालनी पड़ेगी। फ्लिंट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस ऐसा हम ट्रिक करते जाएंगे, एक लगाएंगे दूसरी बार उसको निकालते आएंगे, इस तरह से लगाएंगे वापस से उसको तोड़ डालेंगे तो इस तरह से हमको फ्लिंट मिल जाएगा। ओके ओके, इधर हमको दो फ्लिंट मिल चुका है। ये तो गाइस फाइनली हमको दो फ्लिंट मिल चुके हैं। अब सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ नीचे की तरफ माइनिंग करने के लिए नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास आयन बिल्कुल भी नहीं है। फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए हमको एक आयन की जरूर पड़ेगी। गाइस मैं फाइनली इधर नीचे की तरफ आते हैं, मुझे आयन मिल चुका है। इधर से सबसे पहले ये आयन उठा लेते हैं, इस आयन को लेते हैं। और इधर मैंने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करी थी। अब इधर से सबसे पहले थोड़ा फूड खा लेते हैं, अपने ब्रेड खा लेते हैं। और इधर से सबसे पहले चलते ऊपर की तरफ, इधर से ऊपर की तरफ माइनिंग करके चलते ऊपर की तरफ। तो गाइस मैं फाइनली अपने हाउस में वापस आ चुका हूँ। इधर से सबसे पहले तो ये वाले फर्नेस में से अपने जो मैंने ग्लास रखे थे वो निकाल लेता हूँ। इधर अपना आयन डालता हूँ, इस आयन को पकने की हमको वेट करनी पड़ेगी। ओके, हमको तो एक ही आयन चाहिए, इधर से एक आयन ले लेते हैं। इस आयन को लेके हम चलते हैं सीधा अपनी चेस्ट में, इस आयन को लेके हम चलते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल में। क्राफ्टिंग टेबल में से सबसे पहले इधर एक आयन और एक फ्लिंट रखते। ओके, तो फाइनली अपना फ्लिंट एंड स्टील रेडी हो चुका था। अब सबसे पहले फाइनली अपना फ्लिंट एंड स्टील रेडी हो चुका था, और थोड़ा बहुत आयन भी हमारे पास आ चुका था। वो इतनी देर में अब शाम हो चुकी थी, इसके लिए अब मुझे पहले तो मैं सोने चला गया और अगले दिन अपना काम कंटिन्यू करेंगे 85 to 90। अब मैं सबसे पहले ये फर्नेस में से अपना आयन उठा लेता हूँ, और ये वाले क्राफ्टिंग टेबल में से सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी दो बकेट बना लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे चाहिए होगा लावा और पानी। इसके लिए इधर से मैंने एक में पानी तो अपना है ही, और एक में मैं अपना लावा भर लूँगा। अब इधर से सबसे पहले चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चलते हैं सीधे अपनी केव्स में। तो ओके गाइस, जैसे मैं अपने केव्स में आया और नीचे की तरफ मैंने काफ़ी माइनिंग करने के बाद मुझे डायमंड मिल गए, और डायमंड मिलने के साथ साथ मुझे लावा भी मिल चुका है, लावा पूल मिल चुका है। डायमंड आ चुके थे और लावा पूल भी था। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो ऊपर की तरफ चला गया, और ऊपर की तरफ इधर सबसे पहले मैंने ऐसा किया कि एक तो टॉर्च लगा दी दोनों तरफ, और सबसे पहले सामने की तरफ पानी डाल दिया। और पानी डालते ही सारा का सारा जो लावा था वो लावा ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो चुका था। और सबसे पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना दिया उधर, और क्राफ्टिंग टेबल को लगा के उसमें से सबसे पहले मैंने अपनी डायमंड की पिकेक्स बना ली। डायमंड की पिकेक्स से तो आपको पता है कि ऑब्सीडियन काफ़ी तेज अपने ऑब्सीडियन को तोड़ सकते हैं। और इतनी देर में मैंने एक और गलती कर दी कि मेरे गलती से अपना पूरा का पूरा वाटर सोर्स ही मैंने ख़त्म कर दिया। उसके ऊपर लेवल गिरने से वो सारा का सारा जो अपना वाटर था वो निकल गया, और बाकी मैंने आगे की तरफ जो भी ऑब्सीडियन थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए। गाइस फाइनली अब मेरे पास दो लावा बकेट आ चुकी थी, और मेरे पास थोड़े बहुत ऑब्सीडियन भी आ चुके थे जितने हमको पोर्टल बनाने के लिए चाहिए। और फ्लिंट एंड स्टील तो हमने सबसे पहले ही बना लिया था। इसके लिए इधर से मेरा आयन भी पक चुका था, इसमें अपने स्टोन पड़े थे, ये स्टोन भी उठा लेता हूँ। ये वाली फर्नेस में भी अपना स्टोन था, ये भी उठा लेता हूँ। और इस सबसे पहले तो ऐसा करते कि इस टेबल में से सबसे पहले अपने जो जो हमको ये वाला मटेरियल चाहिए होगा वो उठा लेता हूँ। इधर से फेंस बना लेता हूँ, और प्लैंक्स तो अपने पास है ही, इसके लिए वो तो डरने की ज़रूरत है नहीं। ये वाली चेस्ट में से मैं अपने थोड़े बहुत और वुड ले लेता, और उस वुड के मैं सबसे पहले सारे के सारे प्लैंक्स बना लेता हूँ। तो मैंने जितने भी प्लैंक्स बनाने थे वो प्लैंक्स तो मैंने बना ली है। अब सीधा चलते हैं अपना काम कंटिन्यू करते। इधर से मैंने अपना आयरन उठाने के बाद मैंने सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल में से मैंने अपनी एक्स बना ली, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी जो भी एक्स थी वो मैंने स्टोन की रखी थी। अब मेरे पास आयरन की एक्स भी आ चुकी थी। इधर से सबसे पहले ये वाला ब्लॉक तोड़ते हैं, ये वाला फेंस तोड़ते हैं, और आगे की तरफ अपनी सबसे पहले प्लैंक्स लगाते हैं इधर की तरफ। एक इधर प्लैंक को प्लेस करते हैं, और दूसरी तरफ इधर प्लेस करते हैं, और इसके बीच में आएगी अपनी स्टेयर्स। इसके लिए मैं स्टेयर्स तो बना के आया नहीं, सबसे पहले अपने क्राफ्टिंग टेबल में से स्टेयर्स बना लेते हैं। अपने पास प्लैंक्स तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके, अरे मेरे पास ओके इधर जगह नहीं, इधर डालते हैं। ओके 16 स्टेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इधर लगाते अपनी सबसे पहले स्टेयर्स, इधर लगाते इधर प्लेस करते हैं, उसके पास में हम दूसरी स्टेयर्स प्लेस कर देंगे। ओके हो चुकी थी, अब सबसे पहले हम सो जाते, अगले दिन अपना काम कंटिन्यू करेंगे। 2
डे 90 to 95 मैंने अपना पूरा भी सेटअप था वो मैंने कर दिया पोर्टल को रखने के लिए। इधर अब सबसे पहले करते हैं, इधर अपने दो ऑप्सीडन रखते हैं, उसके पास में हमको ब्लॉक रखने के लिए मैं प्लैंक्स यूज़ करने वाला हूँ। इस वाली चेस्ट में से मैं अपने ये दो प्लैंक्स उठा लेता हूँ। ओके 57 ये वाले प्लैंक्स उठा लेता हूँ। इस प्लैंक्स को लेके चलते सामने की तरफ, इधर लगाते अपना एक प्लैंक्स और इधर प्लेस करते अपना दूसरा प्लैंक्स और इसके ऊपर लगाते जाते अपना ऑप्सीडन। 1 2 3 4 और रुको इतना हो गया अपना प्लैंक्स और आगे की तरफ और एक का ऑप्सीडन लगाते हैं, इधर एक और इधर दूसरा। ओके अब चलते सीधा नीचे की इधर भी मैं प्लैंक्स लगा ही देता हूँ। चलते नीचे की तरफ और इधर अपने जो ऑप्सीडन बचे वो ऑप्सीडन लगाते अपना ये वाला पोर्टल पूरा रेडी हो जाएगा। अब पूरा का पूरा मेरा पोर्टल भी रेडी हो चुका है जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो। इस पोर्टल में अब सिर्फ फ्लिंट ही मारने का बाकी है, इस फ्लिंट को मारते हैं। इसी के साथ अपना ये वाला पोर्टल हो जाएगा ऑन। फाइनली हमने अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डेज सर्वाइव कर लिए थे। डे 1 में मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब से लेके अब तक मेरे पास हाउस हो चुका है, मेरे पास एक फार्म है, मेरे पास एक पेट है और थोड़े बहुत डायमंड आयरन है, एक पोर्टल बना लिया है। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। अब आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।